Lipstick! 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 ये सुसुरी तड़तड़ी अरे जाओ ना अरे ये क्या हो रहा है अरे क्या हो रहा है ये बुलेट उसकी अटैक आओ तुम भी आओ देख अभी अपुन को गुस्सा मत दिला वरना वरना क्या वरना वरना अपुन प्यार से कहेगा कि जाने दो सबको प्लीज ठीक है हाँ, क्या जोर का झटका दिया है ये है कौन देखो अपुन को लड़ना नहीं चाहता है समझे इसलिए प्यार से पूछता है तू अब उनसे क्या चाहता है और तू क्या आइटम है रे मैं बी 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 हूँ बच्चों को बचाने वाला बालवी भयंकर परी क्या आप हमें सुन सकती हैं भयंकर परी नाराज ताराज सुने थे कि मुझे ए ये जादू कुंड जिसमें सुन ही नहीं देख भी सकते हैं इतना भी पता नहीं तुम्हें भूल गई सब कुछ चलो पको जल्दी से है ये मेरा समय आराम करने का तौबा तौबा हम सेवकों से बात नहीं करते हमें भयंकर परी को बहुत जरूरी बात बतानी है बात जरूरी है कि नहीं वो तय करेगा होने वाला प्रधानमंत्री तौबा तौबा ना कि वो परी भयंकर मजाक बंद करो तौबा तौबा ये एक बहुत ही गंभीर बात है हमें भयंकर परी से बात करनी है उनको ये बात बतानी है कि वो जो मच्छरों की मदद से निंदियों की बीमारी बच्चों के बीच में फैला रही है ना फैला रहा हूँ वो बीमारी मैं ना कि परी भयंकर अरे है वो मच्छर मेरे गुलाम मेरे इशारे पर फैला रहे निंदियों की बीमारी बच्चों में अब आएगा बालवीर नाक रगड़ते हुए मेरे पास और मैं बनाऊंगा गुलाम उसको अपना और बनूंगा प्रधानमंत्री तौबा तौबा ऐसा कुछ नहीं होगा तौबा तौबा क्योंकि नटखट परी यहाँ परीलोक में सारी परियों की मदद से निंदियों की बीमारी की दवा बना रही हैं। आई बात समझ में बनाएगी परिया निंदियों की दवा परी आई निंदियों का इलाज ढूंढने क्यों बोला तूने इधर देखिए तूने भी तो हाँ बोला था हाँ मगर अब क्या करे सच हमसे बोला नहीं जा सकता और हम झूठ भी नहीं बोल सकते अब अगर मम्मी पापा ने पूछा कि शर्ट मिली तो हम क्या बोलेंगे शर्ट मिली मिल गई माता जी मिल गई अरे सुनी सुनी शर्ट मिल गई है सुनी जल्दी जल्दी आइए शर्ट मिल गई क्या शर्ट मिल गई हाँ कहाँ है मानव मेहर ये शर्ट यहाँ कैसे पहुंची रद्दी में मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ पापा की शर्ट रद्दी में कैसे पहुंची अरे स्मिता तुम तो ऐसे बच्चों को डांट रही हो जैसे बच्चों ने शर्ट छिपाई हो बच्चों शर्ट आप लोगों ने छिपाई थी देखा कितने डर गए हैं बेचारे अरे वो तो मैंने ही अखबार के साथ कहीं रख दी होगी तो रद्दी में चली गई होगी उल्टा मुझे इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए धन्यवाद बच्चों मतलब थैंक यू सो मच आज इस खुशी के मौके पर इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी खबर सुनाना चाहता हूँ
बच्चों हम लोग आज पंचगनी जा रहे हैं। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो, चलो। हाँ, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी, इनके बैग्स भी पैक करने। मैंने कहा था ना ये होने वाला है, ये होने ही वाला है। हाँ, और इसमें तो बालवीर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तुम दोनों अभी तक यही हो, जल्दी हाथ धोकर टेबल पर नाश्ता करने आ जाओ। नाश्ता लगा दिया है। पहले मुझे ये बताइए, अरे हो क्या गया है आपको? क्या हो गया आपका दिमाग खराब? चार ले झापड़ पे झापड़ मेरे गाल पर बिना वजह मारने से पहले मुझे ये बताइए किया क्या है मैंने? तुम्हें सपने देखने का बहुत शौक है ना प्रधानमंत्री बनने के, इसीलिए जगा रही हूँ। और रुक जाइए परिवहन सर, पर कहा किसने आपसे? हमने। हमने बताया। मजाक। मजाक नहीं तौबा तौबा, नाराज और तराज। ठिठोली रहा था कर मैं ठिठोली और मान गई ये सच। मालूम है ना आपको कि हूँ मैं कितना मजाक किया। तुम्हारी ऐसा मजाक करने की जरूरत कैसे हुई? बस बहुत हो गया, अब कोई बेवकूफी नहीं चाहिए मुझे। मुझे किसी भी हाल में अपनी शक्तियां वापस चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ले रही हो मच्छरों से मदद और करोगे क्या इससे ज्यादा? हाँ भयंकर परी, मच्छरों को मोहरा बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? हाँ? विचार भयंकर परी को मुन्ना मच्छर का सलाम। यहाँ क्यों आए? मदद मांगने के वास्ते, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे जो बोलो वो करेंगे। और फिर मैं उन्हें नींदू के पेड़ों के पास लेकर गई। ये नींदू के पेड़ हैं और ये जो नीचे तालाब है इसमें नींदू का रस भरा है। इसके रस के साथ तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चों पर आक्रमण करना है और उन्हें सुलाना है। ये नींदू रस कोई मामूली रस नहीं है, इसे जैसे ही अपने डंक में भरकर मच्छर बच्चों को काटेंगे वो गहरी नींद में सो जाएंगे। अरे उठना नीरन, धवल उठ, उठ धवल, तेरी बारी आ गई तो तू सो गया, उठ धवल उठ। और इससे फैली हुई बीमारी का इलाज केवल मेरे पास है और मुझे यकीन है कि नींदू के इलाज के लिए बालवीर मेरे पास जरूर आएगा। आप महान है भयंकर परी, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती है और कोई नहीं। पर भयंकर परी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो मामूली मच्छर आपकी मदद कर क्यों रहे हैं? अरे है क्या इन्होंने वायदा मच्छरों से उनकी जिंदगी बढ़ाने का? तो क्या भयंकर परी आप सच में उनकी जिंदगी बढ़ाएंगी? नहीं। अरे करती है ऐसे ही वायदे पे वायदे, फिर दिखा देती है फिंगर। तुम दोनों कुछ भी कर लो इनके लिए, आपको भी दिखाएंगी एक ना एक दिन ऐसा ही ठेंगा। दबाओ जाओ मेरी नजर से, खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और जो करते हैं उन्हें भी रोकते हो। जाओ यहाँ से। अरे हाँ तो हम दो बैठेंगे हर चीज पे हॉस्टल जाकर, चाहे वो हो नाश्ता या फिर हो मम्मी पापा का प्यार। इसलिए मैं कहती हूँ हाथ धोकर क्या फायदा। पापा हमें उससे नहीं भेजेंगे क्या? बात तो तुम सही कह रही है। जाने दे, अब तो हॉस्टल जाकर ही हाथ धोएंगे। पर अभी भी कुछ हो सकता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। मानव मेहर मुझे याद दिलाना, जाते जाते ये लेके जाना है, ठीक है? मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, दोनों को पंचगनी लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। अरे ये तो सेम फ्रूट बास्केट है,
जैसे हमने भविष्यवाणी में देखा था। मैंने कहा था ना, वो होने वाला है, वो होने वाला है। अब तो हमें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। हाँ, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने भविष्यवाणी में देखा था। मैं देखता अभी ये पहुंचा कहां तक है बालवीर, जो कर रही है परी भयंकर इतना तमाशा, ताकि पता तो लगे कर क्या रहे हैं मच्छर दुखी लोग पर और हो रहा है बालवीर पे इसका क्या असर। जादुई कुंड खुल जाए मेरी तकदीर, दिखा दे मुझे कर क्या रहा है बालवीर। अरे हुआ क्या है? सोचा था परी भयंकर ने लेने निंदु की दवा आएगा बालवीर उसके पास नाक रगड़ते हुए, पर पहुंच क्या उल्टा ये मुन्ना मच्छर के पास। ये बात खतरनाक, चल है बालवीर को मुन्ना मच्छर का पता तो कर देगा जल्दी से उसको लापता। बालवीर के होते हुए बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बच्चों के खिलाफ मुन्ना ने जंग छेड़ी है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों छेड़ी है तुमने जंग बच्चों के खिलाफ। मुन्ना से कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, तो मुझे तुमसे बुलवाने के लिए तुम्हें बिजली का झटका देना पड़ेगा, ठीक है? प्यार से हाथ जोड़कर पूछ रहे हो तो इतना अब बता देता हूँ कि निंदु के कीटाणु इंसानों को गहरी नींद में सुलाने की बीमारी है, और अब मच्छरों के लिए जिंदगी लंबी करने का टॉनिक। जितने बच्चे निंदु से सोतुराम बनेंगे उतने हमारे जिंदगी के दिन बढ़ेंगे। अरे कर क्या रहा है ये मुन्ना मच्छर, कर रहा है परी भयंकर का पूरा खेल खराब, बता के सब कुछ बालवीर को। अगर चल गया बालवीर को निंदियों का पता तो आएगा नहीं कभी वो भयानक लोग में, ढूंढ लेगा उसका कोई ना कोई इलाज खुद ही। करना पड़ेगा मुझे कुछ, आखिर हूँ तो मैं ही उनका प्रधानमंत्री श्री श्री तौबा तौबा। ये तुमसे किसने कह दिया मुन्ना कि बच्चों में निंदु के कीटाणु फैलाने से तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मच्छरों को 15 दिन की जिंदगी मिली है और मच्छरों को वो 15 दिन की जिंदगी बिना किसी को परेशान किए गुजारनी चाहिए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और अपुन भी हर बार यही जवाब देता है कि जिंदगी लंबी होगी अभी तो बड़ी होगी। देखो मुन्ना, जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति के खिलाफ है। अरे तू क्या पका रहा है यार, ये देख ये लिपस्टिक अब तक 40 बच्चों में निंदु के कीटाणु फैलाकर 40 दिन अपनी जिंदगी बढ़ा चुकी है। ये चक्री ने 24 बच्चों को सुला ला है। ये सुरसुरी, ये तड़तड़ी, अरे 15 दिन बढ़वा चुकी है अपने, और अपन खुद ने वो बच्चा बाटी, अरे क्या नाम है रे उनका, हाँ मानव और मेहर के हाथों में और नाखूनों में हिंदू के कीटाणु डाल दिए लाए। तो नाखूनों में क्यों? अरे वो क्या है ना कि काटने का डिपार्टमेंट यहाँ सिर्फ लेडीज लोग ही संभालती हैं, और आप उनको मालूम है वो बच्चे भी अपने हाथ धोते नहीं है खाने से पहले, तो बस जैसे ही वो खाना खाएंगे वो कीटाणु उनके हाथ से उनके मुंह के अंदर चले जाएंगे और वो सो जाएंगे, फिर अपने जिंदगी के डबल सेंचुरी पक्के। इसका मतलब मनोमेहर खतरे में, पहले देख लेता हूँ कि उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए हैं कि नहीं। बच्चों चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, बाद में पंचगिनी जाने की तैयारियां भी करनी। ओके फास्ट कम ऑन।
मानव और मेहर को तो मैं बचा ही लूंगा, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। मैं जाते जाते तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम और बच्चों के शरीर में निंदियों के कीटाणु नहीं फैला पाओगे। अच्छा पता पालियों को सब कुछ, अब होगा क्या? रोकना पड़ेगा मुझे ही पालवीर को मानव मेहर के पास पहुंचने से। करना पड़ेगा मुझे ही कुछ, करना पड़ेगा। मानव मेहर, मैं कैसा दिख रहा हूँ? पापा का चाइनीज शर्ट पहनना, टेबल पे केले वाला बास्केट, ये तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने भविष्यवीन में देखा था। अब तो हमें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। वैसे बच्चों, तुम लोगों को क्या लगता है? डर। हाँ? वो जाने दो, जाने दो। वैसे पता है, मैंने भी अभी शीशे में अपने आप को देखा ना, तो मुझे भी देखते डर गया मैं। लेकिन भाई, कभी कभार बदलाव अच्छा है, कभी कभार इंसान ने अपने आप को बदलना चाहिए, तो मैंने कहा यार पहन लेता हूँ मैं। अच्छा, तो पंचगणी जाने का विचार भी बदल सकते हो? नहीं नहीं, पंचगणी जाने का विचार कभी नहीं बदलेगा भाई। ये प्रोग्राम मैंने खास तौर पर तुम लोगों के लिए बनाया है। चलो बच्चों, फटाफट फटाफट खाना खत्म करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी आएगी, तुम्हारे साथ मुझे भी डांटेगी। हाँ चलो फटाफट। वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। अरे, आज पहली बार नहीं पटका किसी ने मुझे जमीन पर, है लग रहा बहुत अच्छा। मैं खाता अब रूप बदलू गोली और लेता हूँ रूप बच्चे का, तब रोकता हूँ बालवीर को। बच्चा मुसीबत में। कौन हो तुम? तरुण। तरुण, तुम अकेले क्यों भाग रहे थे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? खो गए। खो गए? कहाँ खो गए? मेले में। मेरे पीछे गुंडा पड़ा है। गुंडा? कहाँ है वो गुंडा? वो वहां से आ रहा होगा। मानव और मेहर भी मुसीबत में, मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। बालवीर, बालवीर मुझे बचा लो, बालवीर उस गुंडे से मुझे बचा लो। मानव और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं मैं, क्या करूं? बालवीर, बालवीर मुझे बचा लो, बालवीर उस गुंडे से मुझे बचा लो। मानव और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ, मैं देखता हूँ कि मानव और मेहर इस वक्त क्या कर रहे हैं। हे नटखट परी, दिखा मुझे मानव और मेहर कहीं ना खा ले वो नींदू का जहर। खाना खाने जा रहे हैं, मुझे उन्हें खाना खाने से रोकना होगा। मुझे जो भी करना है यहीं से करना होगा। मिल गया उपाय। दादाजी मुझे माफ करना, मुझे ये करना ही पड़ेगा।
हे नटखट परी, मच्छरों के इरादे तू भटका दे, दादाजी को तू अटका दे। ए, मुझे सीधा करो। दादाजी अटक गए, चल चल। चलो अब थोड़ी देर के लिए मानो और मेहर सुरक्षित है, अब इस बच्चे की मदद करता हूँ। अरे ये बच्चा कहाँ चला गया? जो काम परी भयंकर कभी करके दिखाया मैंने अभी। रोक दिया बालवीर को मानो और मेहर की मदद करने से। जरा देखो तो कर क्या रहा है बालवीर अब। मानो और मेहर अब थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन मुझे जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें हाथ धोए बिना वो खाना खाने से रोकना होगा, ताकि नींदू के कीटाणु उनके शरीर में ना पहुंच पाए। हे बचालिया, बालवीर ने तो मानो और मेहर को थोड़ी देर के लिए और फिर चला मानो मेहर के पास वापिस। हाँ रोकना पड़ेगा उसे। करूं क्या, करूं क्या? वो मैं खाता रूप बदलू कोड़ी और बन जाता है कावारा गुंडा दुश्मन बच्चों का, फिर रुकेगा बालवीर। अभी देखता हूं इस बालवीर को। एक शाणे, उन्हें यहां कोई अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा देखा है? कौन हो तुम? अपन। क्या मुंडा? अपन है शहर का सबसे बड़ा गुंडा। अपन को देख के हो जाता है बड़ा बड़ा लोग ठंडा। अपन है एक आंख से अंधा, पर करता है छोटे छोटे बच्चों को चुराने का धंधा। सीधा करो। अरे ये लेकिन ना। अभी अभी सीधा करती हूँ। अरे मैं अटक गया हूँ। हाँ हाँ अटक गए। अरे क्या अटक गए? अरे बाबूजी मैं करता हूँ। बाबूजी आप भी ट्राई कीजिए ना बाबूजी। मानव यही सही टाइम है दादाजी को छुड़ाने का। इसमें टाइम की क्या बात है, दादाजी जब भी अटकेंगे हमें उन्हें छुड़ाना तो पड़ेगा ही ना। अरे मानव मेरा मतलब है दादाजी को खुश करते हैं। क्यों वो दुखी है हमसे? दुखी नहीं है मानव, दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि हम छोटे हैं बच्चे हैं, हम उन्हें सीधा नहीं कर सकते। देख आज हम प्रूफ कर देंगे कि हम बच्चे हैं। बच्चे नहीं, उनको एहसास दिलाते हैं कि हम उनके कितने काम आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अरे होगा ये कि अगर हम दादाजी की हेल्प करेंगे तो दादाजी हमारी हेल्प करेंगे हॉस्टल ना जाने में। समझा? हम करेंगे दादाजी को सीधा। चल मानव। मैं दादाजी को उठाता हूँ। आइए आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए आइए। नहीं दादाजी, नहीं हम जाने। आइए बाबूजी, बाबूजी आइए आइए आइए। मैं पिछली बार वाला आईडी यूज करते। हाँ वो कर दे, चल चल। अच्छा तो तुम ही हो वो जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे? हाँ अपन वही है, लेकिन तू कौन है? मैं बालवीर।
और मेरे होते हुए तुम बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। बालवीर, तुम बालवीर हो? अपुन तुमसे माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है तुम्हारे। अपुन उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता था ना तेरे को कि अपुन ऐसा करेगा, पर अपुन किसी से नहीं डरता। जो अपुन का मन चाहता है वो ही अपुन करता है। टकराना नहीं अपुन से, वरना बना देगा तेरा वो, कुछ भी बना देगा तेरा। क्या तुम मेरा क्या बनाओगे मुझे नहीं पता, पर अगर तुमने बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे खाया है अपुन ने पूरी बॉडी पे डंडा, पर बदला नहीं चामुंडा, इसीलिए अपुन है सबसे बड़ा गुंडा। तुम गुंडे हो तो मैं बालवीर हूँ, जिसके होते हुए बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अच्छा है तुझमें, कोई बात नहीं, रोक ले अपुन को, अपुन उस बच्चे को जरूर उठाएगा और तू अपुन को छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, तुम मुझे छू के बताओ। तो ले फिर। मुझे जल्द से जल्द मानव और मेहर तक पहुंचना होगा। अब इनके ऊपर बैठना होगा। ऐसे सजेशन देता है? आपको नहीं बाबा, मुझे बैठना है, मुझे। बेटा ये घोड़ा घोड़ा खेलने का वक्त नहीं है। अब बेटा बच्चे की इच्छा है तो पूरी कर रहा। मुझे इनके ऊपर बिठाओ, ट्राई करो, ट्राई करो। धीरे धीरे। चलो बच्चे लोग नाश्ता कर लो। पता नहीं कहाँ चला गया, जॉगिंग करने गया था, अभी तक लौटा नहीं है। बापूजी में अटक नहीं गया हूँ। चलो बच्चे लोग नाश्ता करो। अरे सुनो मेरी बात। अरे जब मैं अटकता हूँ तभी मुझे इम्पोर्टेंस मिलता है। हुँ। हुँ।
बालवीर? हाँ मैं। तुम दोनों मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैं तुम दोनों को पहली बार थोड़ी ना बचाने आया हूँ। देखा मैं, इस बार तो बालवीर को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसे अपने आप मालूम पड़ गया कि हम मुसीबत में हैं। अरे बालवीर तुम यहाँ? अरे मम्मी इस छलनी में कॉइंस? वो बाद में बताऊंगी, पहले बालवीर तुम बताओ बिना बच्चों की बुलाए तुम अचानक कैसे आ गए? मैं मानव और मेहर को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए आया हूँ। आने वाली मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये खाना। मैं क्या इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं नहीं स्मिता, इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हो तुम। नहीं मतलब अब अच्छा खाना बनाती हो तुम, वाकई अच्छा खाना बनाती हो। बालवीर ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं मानव और मेहर को ये खाना खाने से रोकने के लिए आया हूँ। देखा? अरे कहाँ खा के देखा है, बालवीर ने रोका ना। आप भी? मम्मी पापा पहले बालवीर की बात तो सुन लो। हाँ, 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 आपने तो सुना ही होगा शहर में कई सारे बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने उन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाया। सच्ची मुसीबत आपका खाना नहीं है, मैं मानव और मेहर को ये खाना खाने से इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि मच्छर बच्चों के अंदर नींदू के कीटाणु डाल रहे हैं और बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं और उन्हीं मच्छरों ने नींदू के कीटाणु मानव और मेहर के हाथों और नाखूनों में भी डाले हैं। क्या? क्या? हाँ, और तुम दोनों ने ये खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोए थे। इसलिए जैसे ही तुम खाते निंदियों के कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाते और तुम गहरी नींद में सो जाते। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हाथ धोकर ही खाना खाया करो, क्यों हाथ नहीं धोए? मैं तो बोलता हूँ साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। पता है इस बुरी आदत की वजह से कितने लोग बीमार पड़े हैं। सॉरी पिताश्री, मतलब सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। थैंक यू बालवीर, हम आगे से कभी भी हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएंगे। आज पूरे देश के बच्चे एक नई तरह की नींद की बीमारी के शिकार हो रहे हैं और आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे हमारे स्टूडियो में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड्रयू से। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि कैसे बच्चे अचानक गहरी नींद में चले जा रहे हैं? देखिए दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ डिजीज, ये एक नई तरह की बीमारी है। कहां से आई और कैसे इतनी जल्दी सब जगह फैल रही है ये जानने के लिए We are doing a research. लेकिन डॉक्टर यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तक आपको इस बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा तो क्या ये बच्चे इसी तरह गहरी नींद में सोते रहेंगे? जब तक हमें इस बीमारी के जर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता, we cannot do anything. हमें बस इतना पता चल जाए कि ये बीमारी फैल कैसे रही है तो यकीनन हम बहुत जल्द कुछ कर पाएंगे। हमें बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कब और कैसे मिलेगी ये जानकारी ये कोई नहीं जानता। बालवीर अब क्या होगा? तुमने हमें तो बचा लिया लेकिन बाकी बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम चिंता मत करो मेहर, मैं अभी इन सबको जानकारी दे के आता हूँ। हाँ मगर कैसे? हे अरपर परी, बताने इस समस्या का हल, तुरंत पहुंच जाओ मैं उस तक। निंदियों के बारे में हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते रहेंगे क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर बालवीर। टीजी? हाँ? तो? खुश रहो, मैं आप सबको इस बीमारी के बारे में बताने आया हूँ जिसकी वजह से बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। ब्र
ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर इस वक्त हमारे साथ हमारे टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं और बालवीर हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया के डॉक्टर को कोई भी जानकारी नहीं है। जी बालवीर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बीमारी मच्छरों की वजह से फैल रही है। मच्छर बच्चों को काटते हैं या फिर उनके हाथों और नाखूनों में नींदू के कीटाणु छोड़ देते हैं। तो बालवीर, इस बीमारी का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने चारों ओर साफ सफाई रखें, गंदगी ना होने दें, मच्छरों को अपने पास ना आने दें, कभी पानी को ठहरने ना दें, क्योंकि ठहरे हुए गंदे पानी में मच्छर आराम से रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। बच्चे अपने हाथ ठीक से धोए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। घर के अंदर आने के बाद अपने हाथ और पाँव ठीक से साफ करें। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे तो मच्छर हमारे पास आने से डरेंगे। साफ सफाई हमारी वो ताकत है जिससे हम मच्छर और बाकी सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, और खास तौर से बच्चों को भी, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसके साथ मैं मच्छरों के खिलाफ जंग का ऐलान भी करता हूँ, और मैं हर बच्चे से इस अभियान में जुड़ने के लिए कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा मेरा साथ देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।